अभी रात हो चुकी है थोड़ी सी शाम तो, और मामू ने राग अभी जला दी है, ये देखिए लपटे उठ रही हैं। हाँ बस अब तुम यही। सो अभी डिनर भी ये बना है यहाँ पे, ये है खांड और ये है चावल। वैसे रोटी भी बनी है लेकिन मम्मी और नानी ने तो हमें, हम दोनों को ये डाल दिया, हम लोग को भी ये डाल दें, तो मेरे को तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आके टेस्ट करके देखते हैं। स्टार्ट हो रही है क्या? जब आग जलानी होती है ना तो सुनो, ये नहीं गलत तरीके से देख, यहाँ बैठो और इसको निकाल देना, ठीक है? ऐसे खड़े खड़े आग नहीं जलती बेटा, खड़े खड़े तो जितने नीचे तक पहुंचेगा तो ऐसे नहीं, देख इसको ऐसे कर दिया फायर ही वो हो जाएगी। पहले थोड़ा तिल्ली को तो आग लगाओ अच्छे से, तिल्ली को आग लगा के नीचे ऐसे करना, ठीक है? चुल्ले के मैं घुसना हो रहा है ऐसे, हाँ ऐसे रखना, हाँ ये वहाँ, अब ये हाथ लगाने की जरूरत नहीं, इसके नीचे लगा, इसके नीचे नहीं अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, देख फ्रेंड्स। तो ये हम लगा रहे थे चूल्हे में आग, जला रहे थे आग, वैसे जलाई नहीं, हमसे जली नहीं, ये बस गांव के अंडे छोरे ही कर सकते हैं ऐसा काम, लेकिन मेरे पास आया जलाने को रूली, जो कि आग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आप नहीं जला रहे? नहीं अब नहीं जला रही, जला रही हूँ, जला रही है। ये कहाँ पीछे टेडी? ये ले। मेरे पास है ये वाली तुई। अरे आज जला होगा तुम्हारा दे। हाँ ये लेके जाओगे। अब उन्हों को भी लगाने दो भाई। बस बस हो गया सोन का हो गया तेरा, ये टैक्टिक्स होती है बेटा फायर की भी, हर कोई हर किसी से भी नहीं आग जलती है, तो सही तो होटल में अलग से लोग होते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये टूर का पार्ट भी है, माम संदीप मामा जी के टूर का पार्ट भी, तो आज होने वाला है पार्टी, और वो ऐसे क्योंकि अवनू और मैं, अवनू हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम ट्रेड फेयर हम ट्रेड फेयर, एक बहुत बड़ा मेला है, वो बहुत ही बड़ा, उस मेले में जा रहा है वहाँ पे, मेरे को तो भाई जाइंट व्हील में झूलना है, देखते हैं वहाँ पे जाइंट होता है नहीं। मामा जी और वो बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या होगा, ये देखिए ये सब बातें कर रहे हैं, ये हमारी जो गाड़ी है वो ले जा रहे हैं हम लोग, हमारी वाली गाड़ी इसमें हम आए थे, तो फिर जल्दी से अभी हमें जाने का एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा रुक के चलेंगे ताकि थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए। ओ भाई साहब देखिए कितना कोहरा है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है सामने का, उस कोहरा ही कोहरा है, अभी हम निकल रहे हैं ना, वो देखो भाई कितना कोहरा है यहाँ पे, उधर तो भाई कोहरे की बारिश है, कुछ नहीं दिख रहा, गिनो चाबी, ऐसे लग रहा है हॉरर सीन है भाई। अभी अभी भाई गाड़ी में तो बैठ चुके हैं लेकिन लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि जो मिरर का पानी जो होता है वो अभी पानी डाल रहा है, पापा दिखा, ये देखो पानी डाल रहे हैं शीशे को साफ करने वाला, मामू पानी ले आए, पानी डाल देंगे और थोड़ा सा शैम्पू मिला देंगे। आ गया मैं। सो भाई देखो कोहरा ही कोहरा है, कुछ दिख तो रहा नहीं है, लेकिन जब पास जाते तब भी दिखता है मेरे को तो ये भी नहीं होता था कि गांव में इतना कोहरा होता भी है क्या, मेरे को लगता है, मेरे को लगता ही नहीं था कि गाँव में इतना कोहरा होता है, ये तो पता था कि थोड़ा थोड़ा कोहरा होता है, लेकिन ये तो भाई देखो भाई कितना कोहरा है, कितने और हमने अभी ना मामू कम कर रहे हैं एसी को, हॉट एसी चला रखा है ना, हॉट एसी तो फिर से गाड़ी गर्म हो जाए, वो देखो भाई कुछ अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी हम बनी से तो अभी निकल रहे हैं,
की लगे आप सरसों के खेत है वो भी बिखरे हैं अभी तो काश सरसों के खेत को सामने से कुमाई का रही है भाई एकदम कोहरे में से निकल के आई है ऐसा लगता है कि एकदम सफेद गांव से निकल के आई है भाई अजीब सा लग रहा है धूल है नहीं है उन्हें धूल नहीं होती इसे कहते हैं कोहरा ये कोहरा होता है सर्दी की वजह से और यहाँ पे तो मामू कहते हैं बर्फ भी पड़ती है ना हाँ भाई यहाँ पे तो बर्फ भी पड़ती है मुझे तो लग रहा है हम हिमाचल प्रदेश में आए हैं हरियाणा में नहीं हिसार में नहीं हिमाचल प्रदेश में भाई चिड़ौद में भाई इतने पड़ती है लेकिन वो फसलों के ऊपर पड़ जाती है सफेद बर्फ हमने देखी है इन्होंने हमें फोटो भेजी थी तो इसलिए हमने देख ली बैठा भाई चुप चुप ये देखो भाई सामने तो बहुत कोहरा है ऐसे बहुत हो गया कोहरा कोहरा पास जाते दो एक ऑटो आ रहा है और ऐसा लगता है कि दो बाइक आ रही है चाहे कार भी आ रही हो क्योंकि उनके डबल डबल ना दिखते नहीं है पीछे से लाइट के हिस्से दिखता है इसलिए वो कट हो जाते हैं आधा ये देखो यहाँ पे सारे ये उजाड़ पड़ रहा है खाली बनी है खाली बनी है यहाँ पे घर बना रखा है वो लोगों ने भाई ये बहुत कोहरा दिख रहा है मेरे को तो डर भी लग रहा है भूत आ जाएगा तो अब ना आपको क्या लगता है यहाँ पे भूत आ जाएगा हाँ हम लोग को तो लगता है भूत आ जाएगा हम लोग को तो लग रहा है भाई भूत आ जाएगा लेकिन भाई बात तो इसकी भी सही है एकदम कोहरा ही कोहरा है भाई समझ तो आने रहा है कुछ यहाँ से तो अभी क्या कहते हैं जो ट्रेन फेयर है वो तो तकरीबन 20 मिनट ही है तो हम बस 20 मिनट ही है 20 किलोमीटर ही है तो हम 10-20 मिनट में अभी पहुँच ही जाएंगे लेकिन कोहरे के कारण तो 30-40 घंटा तो लग ही जाएगा लेकिन भाई ट्रेन फेयर जैसे बता रहे तो भाई वो तो बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को ऐसे बता रहे हैं बहुत बड़ा लग रहा है वैसे भी हम लोग ना थोड़ी जल्दी उठ रहे थे सबको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है कोहरे में उनकी फसल में भी हमने थोड़ी सी बर्फ देखी गरीब बर्फ हाँ तो अभी मामा जी ने किसी और को भी बिठाया है अपने साथ काम से लेके ये है वो किसी को भी अभी बिठाया है किसी को पता नहीं कौन है मेरे तो मामा जी लगता है उन्होंने बताया तो अभी हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं देखिए यहाँ पे भी कोहरा बहुत है यहाँ पे बिल्कुल कोहरा नहीं है क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई अब ये पूरा हाईवे मेन रोड है पूरा का पूरा वो जब निकल के आए थे वो शॉर्टकट था अब हम मेन रोड पे आ गए हैं तो अभी एकदम अच्छा रोड आ रखा है और गाड़ियां भी कम है तो हम तो जल्दी पहुंचेंगे अभी कितना दूर है 10 किलोमीटर अभी 10 किलोमीटर है तकरीबन आप 10 मिनट में अभी पहुंच ही जाएंगे अब मामू ने एक बार रोक लिया है मामू का कोई फ्रेंड आ रहा है इसलिए उन्होंने अभी गाड़ी रोकी थी जैसा कि मैंने आपको बताया था उन्होंने कुछ काम था तो उनका फ्रेंड आ रहा है कुछ कोई तो अभी हमारी सागेंद्र एंट्री हो चुकी है जैन ज्योति का रोड भी अच्छा खासा है तो हम मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से पहुंच जाए क्योंकि बहुत अच्छी तरह से तो अभी तो बिल्कुल कोहरा तो है ही नहीं और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हिसार का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पीछे गया अभी वो हिसार का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था तो अभी मामू को तो काम खत्म हो गया था इसलिए हम लोग निकल लिए थे है ना तो फिर भी तो अभी थोड़ी सी आगे यहाँ पे आएगा एचडी यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार की एचडी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएगी अभी कहाँ पे है अभी आएगी ये रही ये गेट है हिसार की एचडी यूनिवर्सिटी का ये है रानी लक्ष्मी बाई चौक ये देखिए ऊपर इसमें एक घोड़ा है लक्ष्मी बाई जी का तो ये है ट्रेन से जहाँ में हमें जाना था ये है वो सो अभी ट्रेन फेयर तो अभी जो मामू देख के आए थे वो तो अभी 15-20 मिनट में ही खुलेगा अभी थोड़ी देर बाद तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ शॉपिंग भी करनी थी ना इसलिए तो अभी पहले मेरी कटिंग करवा रहे हैं हेयर की क्योंकि थोड़े बड़े हो चुके हैं ना इसलिए सबसे पहले अभी कटिंग करा रहे हैं फिर हम जाएंगे ट्रेड फेयर में फिर मार्केट तो अभी हम पहुँच चुके हैं हेयर कटर के बच्ची सैलून में
तो अभी इनका शहर है वो तो बहुत बड़ा ही है। देखिए तो अभी मेरा हेयर कट हो चुका है और देखिए कैसे लग रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद आया। हम अंदर हो थोड़ा, तो अभी हम जल्दी चलते हैं ट्रेड फेयर। तो अभी हम एक दुकान से निकले हैं, उसमें मेरी तो मिली नहीं जैकेट, लेकिन हम लोग की मिल गई है, वो ब्राउन कलर की है, घर जाके दिखाते हैं। और फिर अब तो हम मेरी भी ढूंढते हैं या फिर ट्रेड फेयर चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ट्रेड फेयर, ये है ट्रेड फेयर, ये है ट्रेड फेयर। तो उन लोगों ने मेरा मास्क दे दिया है और ये हमारे का ट्रेड फेयर के अंदर। अभी देखिए स्विमिंग पूल है पीछे, और डाइनिंग व्हील दिखा दूं। ये है ट्रेड फेयर, ये भी है एक व्हील डाइनिंग व्हील, वो भी एक डाइनिंग व्हील है, दोनों डाइनिंग व्हील है यहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं इस डाइनिंग व्हील पे झूलने के लिए, 50 रुपए की टिकट है इसकी, जल्द से टिकट लेके इसमें झूलते हुए की बनाते हैं। अम्मी को तो बहुत मजा आएगा और अपनों को झूलते हुए मेरे साथ। तो पहले मैं सबकी वीडियो बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा चढ़ के हुए। सबसे पहले मैं सबकी वीडियो बना लेता हूँ सब झूलों की, उसके बाद हम बैठेंगे। देखिए एक ये झूला है, अभी हम भूत बंगला मूवी देखने आए हैं। यहाँ पे ये देखिए ये भूत बंगला, तो एक बार जल्दी से टिकट ले रहे हैं अभी मामा जी और फिर हम चलते हैं। डर लग रहा है बहुत, जल्दी निकलते हैं हम तो बाहर जा रहे हैं। भाई बहन बाहर जा रहे हैं, बाकी मामू दोनों मामू तो अंदर रहेंगे, हम भाई बहन बाहर जा रहे हैं। हम तो आ चुके हैं भूत बंगला से बाहर। भाई बहन मेरे को तो बहुत डर लगा भाई, और वैसे भी मेरे को लगा कि यहाँ पे फिल्म चल रही होगी, लेकिन फिल्म भाई रियल में है। तो अभी आप लोग चढ़ चुके हैं डाइनिंग व्हील में, भाई अभी स्टार्ट हो रहा है, मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है मेरे साथ, अब नहीं हटी है। अब ना आपको डर लग रहा है, अब लोग को नहीं लग रहा, और बोलो मामा जी को नहीं लग रहा। भाई बस स्टार्ट होने का इंतजार है इसका, अभी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्टिंग की पूरी हो रही है। और स्पीड में चल रहा है, अरे स्पीड में चल रहा है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है जब नीचे जा रहे हैं। दोबारा नीचे जा रहे हैं भाई, बस 2 सेकंड रुको। रुक रहा है तो बहुत डरावना, मैं भी कांप रहा हूँ, बहुत डरावना था ये, तो एक बार स्टॉप कर। अभी
अभी हम दूसरे साइड व्हील में बैठे हैं भाई साहब, भाई बहुत तगड़ा है। इसमें भी तो भाई बहुत डर लगेगा क्योंकि ये ना हॉरिजॉन्टल शेप में वो है, हॉरिजॉन्टल शेप में घूमेगा। अब उन्हीं को तो हमने बाहर छोड़ दिया, बस मौज मामा जी और मैं आए हैं क्योंकि उसका तो दिल डर गया था पहले वाले चैंड व्हील में। मेरा भी थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को भी। तो एक बार स्टार्ट होने दो इसे। ये स्टार्ट हो चुका है, डर लग रहा है। देखो भाई डर लग रहा है, भाई रूह कांप रही है, रूह कांप जाती है जब ऊपर से नीचे आते हैं भाई साहब। ओ भाई मजा आ रहा है, मजा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है। कितनी ऊंचाई में है, मैं कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। देखो कितना डेंजरस भाई साहब, कितना डेंजरस झूला है भाई, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, डर ही लग रहा है भाई, इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं। हाँ जब डर कम हो गया क्योंकि झूला रुक गया है, नहीं दोबारा चल रहा है, चल रहे हैं ऊपर चलते हैं ऊपर तक, बहुत धीरे हो गया है। यहाँ पे अभी रुकेगा ये देखो, और अब ये रुक जाएगा मेरे साथ। अभी दोबारा स्टंट कर दिया भाई साहब, मजा आ रहा है। स्पीड आ गई, ओ भाई धूल उड़ रही है, मजा आ रहा है। इसमें दो बार रंग लगवाया, नहीं मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। गए नीचे आने में इसमें ज्यादा डर नहीं है उस दूसरे वाली की तरह, है ना, इसमें हाँ इसमें डर थोड़ा कम है क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल शेप के कारण इसे हम ऊपर से नीचे ज्यादा प्रेशर नहीं लगता ना, इसलिए दोबारा धीरे हुआ। अब दोबारा ये टेस्ट कर देगा, देख लेना मेरे हिसाब से ये दोबारा धीरे कर दिया, दोबारा आ गया नीचे, नहीं रोकेगा नहीं, अभी भी नहीं रोक रहा, अभी दोबारा झुलाएगा हमें। वैसे मजा आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है, इनको भी भाई बहुत मजा आ रहा है। तो अभी धीरे हो चुका है, शायद स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप हो गया है भाई। भाई साहब डर तो बहुत लगा, अब किसमें इस वाले में तेज तेज घूमता है, तो वो राइड तो खत्म भाई, बहुत मजा आया। अब एक और राइड ढूंढते हैं कि कौन सी राइड अभी करनी है, देखो तो एक बार एक राइड ढूंढता है, तो एक बार ये सामने वाला करते हैं। है तो यहाँ पे बहुत सारी राइड यार, लेकिन एक बार एक राइड अभी सोच ही रहे हैं अपन, एक बार हम वेट कर लेते हैं मामू जी का, मामू जी एक बार आ रहे हैं। सो एक बार हम ये शूटिंग गेम खेल रहे हैं, एक मामू एक बार आप वीडियो बना रहे हो, रुक जा उसके सिर में ना मार दिए, रुक जा। फेंक दे नहीं खाना है इसके, हाथ साफ करे देखो, पेपर वेपर देखो, और नहीं खानी यार, फेंक दे भाई।
बहुत मजा आया। पचास के दस थे, 10 बार मारना था, 10 बार मार दिया। उसमें से 4-5 बुढ़े, 6-7 बुढ़े, क्योंकि 2-3 तो नहीं लगे। सो हमने ट्रेड फेयर में तो बहुत मजा किया। तो अब जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि हमें दिल्ली भी जाना है और बहुत लेट हो जाएंगे। 4 घंटे का रास्ता है पूरा का पूरा। जल्दी जल्दी से हम ट्रेड फेयर से निकलते हैं और दिल्ली भी चलते हैं भाई, खाना वाना खा के जल्दी से दिल्ली। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो फिर अभी जस्ट सारा सामान तो अभी रख लिया, आती सारा सामान रख दिया था। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे हम आए थे उसके बाद थोड़े गाय बछड़ी भी लाए नाना जी। दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक बच्चा, ये एक गाय, वो एक गाय, वो एक गाय का बच्चा, और एक गाय बाहर पड़ी है, एक गाय बाहर खड़ी रखी है हो रही। सो सारा सामान अपने हमने अपनी गाड़ी में लग रही है। और ये देखिए, मेरा सिग्नेचर रिशान सिंह, मैं व्लॉग भी लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ रिशान सिंह। हाँ, ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। अब मुझे छेड़ना मत, जहाँ पे गुन भैया ने कुछ लिखा है इसलिए प्लीज यार यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। हाँ मम्मी पापा को बुलाना, मम्मी ये मारता नहीं, ये तो नहीं मारता ना। चल जल्दी आ जा, दादाजी मम्मी को बुला रहे। मम्मी 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 इधर आना, सरप्राइज है। और उसके बाद सरप्राइज मिलेगा। अच्छा अब सरप्राइज दिखाता हूँ। मुटे आप भी चलो, अरे बाबा जी ये देखो ईशान सिंह, ईशान सिंह का फिल्म गलत है ना, SINGH। लो मैच पर ईशान सिंह व्लॉग यूट्यूब, ईशान सिंह व्लॉग ऑन यूट्यूब। सुन कपड़े झाड़ रेडी। तो ये व्लॉग तो मैं आज के लिए खत्म करता हूँ मामा जी के घर के टूर का, क्योंकि अब हमारी दोबारा हम दिल्ली आ चुके। तो हमारी डेली रूटीन वही है, क्लासेस वगैरह। तो व्लॉग तो मैं अब थोड़ी प्रॉब्लम तो आने लगेगी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊंगा, आपके पास आते रहेंगे। बस प्लीज आप मेरे व्लॉग्स को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक जरूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में।